जय हिंद दोस्तों, तीन ऐसे दिलचस्प अमेजिंग फैक्ट्स लेकर आया हूँ जिसे जानने के बाद आप 100 बार सोचेंगे सुना तो बहुत था पता आज चला। चलिए फटाफट तीनों अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। पहला, यदि कोई सिंदूर काट ले तो क्या होगा। दूसरा, अगर कोई छाता लेकर छत से कूद जाए तो क्या होगा। तीसरा, चिर फाट करने वाले डॉक्टर यानी सर्जन नीला कपड़ा क्यों पहनते हैं। चलिए पहला दिलचस्प प्रश्न का जवाब देते हैं। सिंदूर शीशा एवं पारा जैसे भारी मिश्रित धातुओं से बनाया जाता है। सिंदूर का प्रयोग विवाहित हिंदू महिलाएं मांग भरने में करती हैं। यदि ये चाट लिया जाए तो मनुष्य के यकृत, जिगर, लिवर, गुर्दा, किडनी और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि इसको चाटने से गला बैठ जाता है, आवाज चली जाती है, जो इलाज के बावजूद वापस कभी नहीं आती है। इसलिए जिस घर में छोटे बच्चे हो वहाँ ध्यान रखना चाहिए कि वे इन सिंदूर को चाट न लें। इसलिए ध्यान रखें, सिंदूर को ऊंची जगह पर रखें ताकि बच्चे न पहुंच सके, और खुद भी ध्यान रखें अन्यथा गला हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। दूसरा, एक बार एक छोटा साइंटिस्ट उड़ने के चक्कर में छाता लेकर छत से कूदने का प्लान बनाया। वे इन्हें बड़े होकर कहते हैं कि एक बार हमने फैसला कर लिया है कि मैं खुद छाता लेकर छत से कूदूंगा। हमने ये सोचकर फैसला किया था कि स्लो स्लो नीचे गिरेंगे। मैंने छाता लिया और छत पर चढ़ गया, लेकिन मुझे डर था कि छाता पलट ना जाए, इसलिए हमने पहले से ही छाता में कुछ इस तरह से रस्सी बांध कर रखा था। अब तो मैं पूरी तरह से कूदने के लिए तैयार था। छाता हाथ में पकड़ा और कूदा। हमें बहुत भयानक डर लगा और छाता का ऊपरी हिस्सा ले फट गया। हम इतनी तेज गति से नीचे गिरे कि हमारे मुंह से एक ही आवाज निकली, मम्मी ए ए ए ए ए। हमारे सभी पड़ोसी इकट्ठा हो गए, सब लोग हमें ही देख रहे थे। हमें पैर तथा पीठ में थोड़ी चोट लगी, लेकिन चोट की चिंता नहीं थी। हमको पड़ोसी के इकट्ठा होने की चिंता थी। हम फटा छाता पकड़े खड़े थे, सब लोग हमें ही देख रहे थे। सब लोग हमारे हाथ में छाता देखकर हंसने लगे। हमको बहुत शर्माया। ऊपर से मम्मी ने तमाचे जड़े। शाम से 3 दिन तक हम घर से बाहर। यदि आप छाता लेकर कूदना चाहते हैं तो छाता का ऊपरी हिस्सा अच्छी तरह चेक कर लें। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी वीडियो में दिलचस्पी है तो हमारे YouTube चैनल MG जान क्रेकर को सब्सक्राइब करें। तीसरे दिलचस्प सवाल का जवाब अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। शब्बा खैर।